हे हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ विशाखा और आप सबका स्वागत है विशाखा किचन में। आज हम लच्छेदार रबड़ी बनाएंगे ट्रेडिशनल मेथड से। टाइम कंज्यूमिंग है बट बहुत ही सिंपल है, तो चलिए शुरू करते हैं। रबड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमें भारी तले वाला बर्तन या कढ़ाई चाहिए, तो मैंने इस प्रकार कढ़ाई ली है। तो सबसे पहले इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी इसलिए डालेंगे ताकि दूध तले पर चिपकता नहीं है। अब इसमें 1 लीटर फुल क्रीम दूध डाल रही हूँ मैं। अब हम दूध को उबालने के लिए रख देते हैं मीडियम आंच पर। जैसे दूध को उबाल आएगा, गैस की आंच को हम कम करेंगे और ऊपर जो मलाई दिख रही है उसे हम स्पून से कढ़ाई के किनारों के ऊपर चिपका देंगे, कुछ इस तरह से। थोड़े टाइम के बाद फिर से दूध की मलाई जमेगी। वैसे वैसे हम स्पून से मलाई को कढ़ाई के किनारे की ओर लेते जाएंगे। बीच बीच में हम स्पून से चलाते रहेंगे। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि दूध और मलाई अलग हो और इससे दूध जल्दी इवेपोरेट होता है। जब तक दूध की मात्रा 1/3 नहीं होती तब तक इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू करते रहेंगे। अब दूध अच्छे से गाढ़ा हो गया है तो इसमें हम 1/4 कप चीनी ऐड करेंगे। जितना आप मीठा खाना पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग से चीनी डालेंगे, बट रबड़ी में चीनी कम ही डालें। अब इसमें हम चॉप ड्राई नट्स ऐड करेंगे, काजू बादाम पिस्ता वगैरह। फ्रेशली कुटी हुई इलायची पाउडर ऐड करेंगे। आप इसमें केसर भी डाल सकते हैं या फिर रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं, बट मैं सिंपल रबड़ी बना रही हूँ। अब अच्छे से स्टर करते हैं और इसे हम लो फ्लेम पर और 10 मिनट के लिए उबाल लेते हैं। कढ़ाई के किनारे की और मलई की लेयर बनी थी उसे हम निकाल लेते हैं और उसे हम दूध के साथ मिक्स करेंगे और इसे हम और 2-3 मिनट के लिए कुक करेंगे। इसे ज़्यादा भी ना मिक्स करें। रबड़ी बनाने के लिए हमें 1 घंटा लगा है। अब हमारी रबड़ी तैयार है, सो फ्लेम को करेंगे बंद और इसे हम ठंडा होने देंगे। ठंडी होने के बाद रबड़ी और गाढ़ी बन जाती है। इस रबड़ी को आप ऐसे भी खा सकते हैं या फिर आप इसे मालपुआ के लिए, रसमलाई के लिए या इसके आप कुल्फ़ी भी बना सकते हैं। व्रत के दिन भी हम खा सकते हैं रबड़ी को। तो गाइस, ट्राई करें इस रेसिपी को। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आई हो, कमेंट कीजिएगा अगर आपकी कोई राय हो या डाउट्स हो, और शेयर कीजिएगा, और लास्ट में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।